वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के कई बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अनुसार अगले 6 महीने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे और 15,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंकों के साथ बैंकिंग कारोबार इसी प्रतिबंध में उन्हें जारी रखना पड़ेगा। इसके अलावा सहकारी बैंक को आरबीआई ने कहा है कि बिना आरबीआई के परमिशन के वो ना तो लोन दे सकती है और ना ही कोई निवेश किया जा सकता है, लेकिन ये बात साफ कर दी गई है कि नई जमा राशि स्वीकार की जाएगी। हालांकि आगे स्पष्ट करते हुए बैंक ने कहा कि निर्देशों को जिस तरह से लागू किया गया है उसे लाइसेंस रद्द करने के रूप में ना लिया जाए, ये सिर्फ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ना कि बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर परिस्थिति में सुधार होती है तो निर्देशों में संशोधन किए जा सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। कई सारे बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसी के साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि ये सिर्फ प्रतिबंध लगे हैं, आगे संशोधन किया जा सकता है अगर बैंकों की स्थिति में सुधार होती है तो, लेकिन लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।